स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में नया टॉपिक सीखेंगे. ओके, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज वर्ड ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन यानी कि तुलना करना. तुलना यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये हाइट में नीचा है. ओके, ये टॉलर है, ये शॉर्टर है, ये स्लोअर है, ये फास्टर है. ओके, सो इसे तुलना करना कहते हैं. हम कहते हैं कि ये दो भाई होते हैं. ओके, सो एक भाई ऊंचा होता है हाइट में और एक भाई उससे छोटा होता है, थोड़ा हाइट उसकी कम होती है. तो हम ऐसे बोलते हैं कि इसका कद इससे ज़्यादा है. तो ये होता है तुलना करना. तो यहाँ पे हम यही सीखेंगे, वर्ड ऑफ कंपैरिजन कंपेयर करना है. तो वर्ड्स जो है जो हम कंपेयर करते हैं, ये सब वर्ड हमें इस टॉपिक में सीखने को मिलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है. ओके, और हमें वर्ड्स को कंपेयर करना है. तो वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द डिफरेंस आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि ये छोटा है, ये बड़ा है. ओके, ये शॉर्ट है, ये टॉल है. तो ये है वर्ड्स जो हम कंपेयर करते हैं, डिफरेंस होता है जो, उसे हम कंपैरिजन बोलते हैं. सो यहाँ फर्स्ट पिक्चर है, तो उसमें है कि एक काउ है और दूसरा है एलिफेंट. तो यहाँ पे नीचे सेंटेंस है, एन एलिफेंट इज़ बिगर देन अ काउ. एलिफेंट है, कंपेयर किया. देखो यहाँ एलिफेंट है और काउ है, तो यहाँ पे कहा है कि एलिफेंट है जो हाथी है वो काउ से बड़ा है. बिगर यानी कि बड़ा है. तो यहाँ पे बिगर वर्ड है, उसे हाईलाइट किया है देखो रेड कलर से. सो बिगर है तो वो कंपैरिजन, वर्ड ऑफ कंपैरिजन कहते हैं इसे. इस पूरे दोनों की तुलना हुई तो बिगर इज अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन. तो एलिफेंट है वो काउ से बड़ा है. नंबर टू, तो यहाँ पे दो लड़कियाँ है, तो एक है नेहा और दूसरी है पूजा. ओके, सो पूजा'स हेयर इज शॉर्टर देन नेहा'स हेयर. तो आप देख सकते हैं कि नेहा की बड़ी बड़ी चोटियां है और पूजा है उसके हेयर बहुत ही शॉर्ट है, शोल्डर लेंथ के है. तो पूजा के हेयर है वो नेहा के हेयर से बहुत ही ज़्यादा छोटे है. तो यहाँ भी बालों की तुलना की गई है. तो ये शॉर्टर है वो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है. नाउ तीसरा नंबर का पिक्चर देखिए, यहाँ एक लड़की है और एक लड़का है और नीचे सेंटेंस लिखा है द बॉय इज टॉलर देन द गर्ल. तो लड़की हाइट में शॉर्ट है और लड़का टॉल है, टॉल यानी कि ऊंचा. तो यहाँ लिखा है कि बॉय लड़की से ऊंचा है कद में. ओके, हाइट में. तो द बॉय इज टॉलर देन द गर्ल. ओके, नाउ लास्ट पिक्चर, अ कार इज फास्टर देन अ बाइसिकल. यहाँ पे बाइसिकल की फोटो है और कार है. ओके, तो कार और बाइसिकल की तुलना की गई है और लिखा है कि बाइसिकल से कार ज़्यादा फास्ट है. ओके, एज वी ऑल नो कि बाइसिकल जा रही है और कार जा रही है, तो कार जल्दी चली जाती है और बाइसिकल धीरे धीरे पैंडल मार के हमें चलाना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे जाती है. तो यहाँ पे स्पीड की कंपैरिजन की गई है. तो पहले पिक्चर में कद की कंपैरिजन की गई है. ओके, दूसरे पिक्चर में बालों के कंपैरिजन, उसके बाल छोटे हैं और उसके बाल लंबे हैं. तीसरे पिक्चर में हाइट की कंपैरिजन की गई है. ओके, और लास्ट पिक्चर में स्पीड की कंपैरिजन की गई है. ओके, सो इन द अबोव सेंटेंस वी मेड द कंपैरिजन बाय एडिंग ईआर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड के पीछे हमने ईआर लगाया है. तो यहाँ है बिग, फर्स्ट वन पिक्चर है उसमें बिग है, लेकिन उन्होंने बिगर किया है, पीछे ई आर लगाया है, तो बिगर हो गया और इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो कंपैरिजन वर्ड बन गया. फिर शॉर्ट है, तो शॉर्ट के पीछे ई आर लगाया है सेकंड में, तो शॉर्टर बन गया. थर्ड में टॉल है, तो टॉल के पीछे ई आर लगाया तो टॉलर बन गया. और लास्ट में फर्स्ट है, तो फर्स्ट के पीछे फर्स्टर बनाया है तो फर्स्टर बन गया और वर्ड ऑफ कंपैरिजन बन गया. नाउ रीड द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन बेटर. तो यहाँ पे सेंटेंस है वो रीड करने के लिए कहा गया है. तो यहाँ पे तीन पिक्चर है, एक है रमन, दूसरा है वीर और तीसरी है परिधि. तो
इन तीनों के पिक्चर है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रमन इज शॉर्ट बॉय। रमन एक शॉर्ट यानी कि कद में छोटा लड़का है। वीर इज शॉर्टर देन रमन। वीर रमन से भी ज़्यादा कद में शॉर्ट है। एंड नंबर थ्री, परिधि इज द शॉर्टेस्ट अमोंग ऑल। परिधि दोनों से ज़्यादा सबसे छोटी है। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट, तो दिस वर्ड आर द कंपैरिजन वर्ड। तो इससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलता है कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है। व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स इज मेड वी यूज ईयर। जब दो लोग या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होती है तो हम पीछे ईआर लगाते हैं। कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो तो उसके पीछे हम ईआर लगाते हैं। और व्हेन कंपैरिजन बिटवीन थ्री और मोर देन थ्री पीपल और थिंग इज मेड वी यूज ईएसटी। ओके, तो हम एक तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो हम पीछे ईएसटी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लगा है शॉर्टेस्ट, तो ये शॉर्टेस्ट का। हमारे क्लास में कोई भी लड़का है, ऐसे आप ध्यान में लगा लो कि कोई लड़का है, तो विकास नाम का कोई लड़का है। ओके, तो हमारे क्लास में विकास नाम का लड़का सबसे ज़्यादा टॉल है, टॉलेस्ट है। तो हम क्या बोलेंगे कि टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा, क्लास में सबसे ऊंचा यानी कि टॉलेस्ट, सभी लड़कों से सबसे ज़्यादा ऊंचा वो लड़का है, तो वो टॉलेस्ट हो जाए। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है तो हम यहाँ पे, मैं जैसे बोलती हूँ आपको घर में वैसे ही बोलना है। ओके, जिससे आपको कंपैरिजन वर्ड ज़्यादा समझ में आ गया आ जाएगा। और ये सारे वर्ड्स आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं बोलती हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। ओके, सो बिगर, बिगेस्ट, बिग यानी कि बड़ा, बिगर तो उससे भी ज्यादा बड़ा, और बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ओके, हम बिग का यूज करते हैं, दिस इज अ बिग, बिग रूम, बिग क्लासरूम। ओके, सो ऐसे हम बिग यूज करते हैं। और बिगर, बिगर हम कब यूज करते हैं, जब दो या तीन लोगों की तुलना होती है तब हम बिगर यूज करेंगे। और बिगेस्ट कब यूज करेंगे, जब तीन से ज्यादा लोगों की या तीन से ज्यादा चीज वस्तु होगी या तीन से ज्यादा प्लेसेस की तुलना की जाएगी तब हम बिगेस्ट यूज करेंगे। ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, प्रिटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ओके, हाई, हायर, हाईएस्ट, लाइट, lighter, lightest, funny, funnier, funniest, easy, easier, easiest, cold, colder, coldest, lovely, lovelier, loveliest, warm, warmer, warmest। ओके, मैं फिर से एक बार आपको रीड करके सुनाती हूँ, आपको घर पे ऐसे ही रीड करना है। ओके, big, bigger, biggest, tall, taller, tallest, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, वॉर्म, वॉर्मर एंड वॉर्मेस्ट। ओके, तो आपको ऐसे ही रीड करना है और आपको ग्रामर की नोटबुक में भी ये लिखना है। ओके, सो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर ए, रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द सुटेबल वर्ड दैट आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ ब्रैकेट्स पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से हमें सुटेबल जो वर्ड है सेंटेंस को उस पे टिक करना है। सो नंबर वन, राजू इज ब्लैंक देन समर। तो यहाँ राजू है और ये समर है। ओके, तो राजू और समर को देख के आपको क्या लगता है, राजू और ब्लैंक में लिया गया है शॉर्टर एंड टॉलर। तो राजू और समर को पहले देखिए और फिर बताइए कि क्या लगता है,
कौन शॉर्ट है और कौन टॉल है? तो देखो, राजू है वो शॉर्ट है और समर है वो टॉल है। तो राजू इज शॉर्टर देन कमल, क्योंकि राजू शॉर्ट है, तो राजू इज शॉर्टर देन समर। ओके, नंबर टू, नूतन इज ब्लैंक, सॉरी, नूतन इज प्रीटी और प्रीटियर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात की गई है, दो लोगों की कंपैरिजन तुलना की गई है, नूतन एंड हर सिस्टर। तो क्या आएगा? प्रीटियर। तो नूतन इज प्रीटियर देन हर सिस्टर। एंड एलिफेंट इज हैवियर और लाइटर देन अ लायन। तो यहाँ एलिफेंट है और लायन है, तो उन दोनों में से ज्यादा वजन किसका होगा? एज वी ऑल नो कि एलिफेंट हैवी होगा। ओके, सो एलिफेंट इज अ हैवियर देन अ लायन। नंबर फोर, अ माउंटेन इज हायर और लोअर देन अ हिल। तो माउंटेन है वो सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, एज वी ऑल नो हिल से भी ज्यादा ऊंचा होता है, तो माउंटेन इज हायर देन अ हिल। नंबर फाइव, अ स्नेक इज लॉन्गर और शॉर्टर देन अ कैटरपिलर। तो ये स्नेक है और ये कैटरपिलर है, तो स्नेक कैसा होगा, लॉन्गर होगा या शॉर्टर होगा? तो वो होगा लॉन्गर, तो स्नेक इज अ लॉन्गर देन अ कैटरपिलर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट वन हैज बीन डन फॉर यू। सो नंबर वन, मेगा इज ब्लैंक गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ शॉर्ट है, और इन अवर क्लास, तो इन अवर क्लास यानी कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई एस टी पीछे आएगा, तो शॉर्ट के पीछे आएगा ई एस टी, यानी कि शॉर्टेस्ट। नंबर टू, रीना इज द ब्लैंक अमंग ऑल हर फ्रेंड्स, तो यहाँ भी क्या आएगा? बहुत सारे फ्रेंड्स के बारे में ऑल है। ओके, ऑल है, तो ऑल हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टॉल है, तो टॉल और ऑल हर फ्रेंड्स यानी कि दो या तीन से ज्यादा के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ भी आएगा टॉलेस्ट। नंबर थ्री, एवरेस्ट इज द ब्लैंक पीक इन द वर्ल्ड। ओके, एवरेस्ट इज द ब्लैंक पीक इन द वर्ल्ड, तो यहाँ इन द वर्ल्ड पूरी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है हाई, तो यहाँ आएगा हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पीथन इज द ब्लैंक स्नेक आई हैव एवर सीन। ओके, तो यहाँ पे स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत ही सारे स्नेक्स होते हैं, और उसमें पीथन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आएगा लॉन्गेस्ट। जिमी हैज द ब्लैंक कार, तो यहाँ पे जिमी के कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिमी है। ओके, तो यहाँ पे एक कार है, तो कार कितनी है? एक है, तो यहाँ पे फास्टर आएगा, फास्ट। मिसेस शाह इज द ब्लैंक टीचर ऑफ आर स्कूल, तो हमारी स्कूल की मिसेस शाह वो यहाँ पे स्मार्ट टीचर है, तो यहाँ पे टीचर्स बहुत सारे होते हैं स्कूल में, तो स्मार्टेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है। ओके, नंबर वन, आई लाइक द पोएम जतिन रीड बिकॉज इट्स द फनीएस्ट। ओके, तो यहाँ पे है वर्ड इजियर, कोल्डर, हाइएस्ट, सॉफ्टर, फनीएस्ट, लॉन्गर, सैडेस्ट एंड वीकेस्ट। तो हमें इन सब का यूज करना है। ओके, और यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर वन, आई लाइक द पोएम जतिन रीड बिकॉज इट्स द ब्लैंक। तो यहाँ पे पहला हमें किया गया है, यहाँ पे आंसर लिखा गया है फनीएस्ट। ओके, नंबर टू, That test was blank than the one we had last week. तो यहाँ पे आंसर आएगा easier. ये टेस्ट लास्ट वीक के टेस्ट से ईजी था, easier. लास्ट वीक के टेस्ट का और इस वाले टेस्ट के कंपेरिजन है. ओके, सो easier आएगा.
नंबर थ्री, आई एम द वीकेस्ट पर्सन इन माई जिम क्लास, मैं मेरे जिम क्लास का वीकेस्ट पर्सन हूँ. ओके, जिम क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए वीकेस्ट आएगा. नंबर फोर, माई ब्लैंकेट इज़ ब्लैंक देन ज्योति'स ब्लैंकेट, तो मेरा ब्लैंकेट ज्योति के ब्लैंकेट से, तो यहाँ आंसर आएगा सॉफ्टर, सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट है. तो मेरे ब्लैंकेट की और ज्योति के ब्लैंकेट की तुलना की गई है, कंपैरिजन की गया है, तो यहाँ आएगा सॉफ्टर. नंबर फाइव, हु हैज़ द ब्लैंक ग्रेड्स इन योर क्लास, तो तुम्हारे क्लास में, तो यहाँ पे आंसर है हाईएस्ट, तुम्हारे क्लास में किसके हाईएस्ट ग्रेड आए हैं. ओके, सो आंसर यहाँ आएगा हाईएस्ट. नंबर सिक्स, दैट वॉज द ब्लैंक स्टोरी आई एवर रेड, ओके मैंने ये स्टोरी सुनी वो बहुत ही सैडेस्ट, सैडेस्ट यानी कि बहुत ही दुखजनक स्टोरी थी, तो यहाँ आएगा स्टोरी में के आगे ब्लैंक में सैडेस्ट. नंबर सेवन, कल्कि स्टोरी वॉज ब्लैंक देन आनंद स्टोरी, तो कल्कि की स्टोरी आनंद की स्टोरी से, तो यहाँ आंसर आएगा लॉन्गर, लंबी थी, लॉन्गर. तो यहाँ कल्कि की स्टोरी और आनंद की स्टोरी के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ आएगा लॉन्गर. नंबर एट, इज़ योर रूम ब्लैंक देन माई, तुम्हारी रूम कोल्डर, कोल्डर तुम्हारी रूम मेरे रूम से ज़्यादा कोल्डर है, ज़्यादा ठंडी है. ओके, और यहाँ पे है एनहांस योर नॉलेज, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग दूसरे वर्ड्स है. ओके, जो है कंपैरिजन वर्ड्स, तो आप ये वर्ड्स आपको अपनी सारे वर्ड्स, ये है गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, और ये सारे वर्ड्स आपको अपनी इंग्लिश की ग्रामर नोटबुक में लिखने हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, वर्ड ऑफ कंपैरिजन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी ग्रामर का, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस सब का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू.